हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस के सीरीज में हम लोग कर रहे थे डीबीएमएस का 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये हमारे इस सीरीज़ का पार्ट 4 है, और ये हमारे वीडियो का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग करेंगे रिमेनिंग के क्वेश्चन, जो कि आपके 76 से लेकर आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, और आपको ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिलेशन में, इन अ रिलेशन, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी रिलेशन में डीबीएमएस के क्या होता है। ऑर्डरिंग ऑफ रोज इज इमेटेरियल होता है, या फिर नो टू रोज आर आइडेंटिकल हो सकता है, या फिर आपके दोनों संभव है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं, इस ऑप्शन के अनुसार जो हमारा डीबीएमएस में रिलेशन होता है, उसमें हमारा जो रो का ऑर्डरिंग होता है वो इमेरिटल भी हो सकता है, और उसमें जो रोज होते हैं वो हमारे आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, यानी सेम हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्चुअल मॉडल इज, कंसेप्चुअल मॉडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है डीबीएमएस में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा राइट आंसर होना चाहिए, जो कंसेप्चुअल मॉडल होता है वो हमारा एक हार्डवेयर पे डिपेंडेंट होता है, और हार्डवेयर के बेसिस पे ही वो ऑपरेट किया जाता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज यूज इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली कार्टिजियन कॉलम्स, यानी कौन सा ऑपरेशन इसमें से जो दिया गया है वो परफॉर्म होगा, यूज होगा, अगर हमें सिर्फ एक खास कॉलम का यूज करना हो किसी भी टेबल में। तो जो ऑपरेशन यूज हो सकता है, उस ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो यूजर होता है हु यूज इजी टू यूज मेनू आर कॉल्ड, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे यूजर जो इजी टू यूज मेनू यूज करता है, उस यूजर को हम लोग क्या कहते हैं, उस यूजर को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नेव यूजर। नेव यूजर वैसा यूजर होता है जो कि एक इजी टू यूज मेन्यू यूज करता है हमारे डीबीएमएस में। तो इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच आर द टू वेज इन विच इंटिटीज आर पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप, यानी इसमें से कौन सा वो दो तरीका है जिसमें इंटिटीज जो होता है वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वैसे दो तरीका को क्या बोलेंगे, तो दो तरीका जो हमारा इंटिटीज जो पार्टिसिपेट करता है रिलेशनशिप में, वो दो तरीका है, एक तो टोटल के तरह और एक पार्शियल पार्टिसिपेशन, यानी दो पार्टिसिपेशन होता है। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसक्यूएल में कौन सा एक कंपैरिजन ऑपरेटर है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इक्वल टू, लाइक, बिटवीन, या फिर ये तीनों। तो एसक्यूएल में जो करेक्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है हमारा इसमें इक्वल टू, लाइक और बिटवीन, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डाटा डिक्शनरी इज ए स्पेशल फाइल डेट कंटेंट्स, एक डाटा डिक्शनरी एक स्पेशल फाइल होता है, और इसमें क्या होता है, क्या कंटेन करता है, इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा गया है डाटा डिक्शनरी के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डाटा डिक्शनरी के बारे में। डाटा डिक्शनरी एक प्रकार से जो डीबीएमएस का होता है वैसा फाइल फॉर्मेट रहता है, जिसमें कुछ सर्टेन टाइप के फाइल डॉक्यूमेंट्स रहता है, और इसे
अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका, इसमें से जो फाइल होता है वो आपके फील्ड के फॉर्म में रहता है, उसके बाद से विथ होता है सारे फील्ड का वो फाइल में रहता है, और डाटा टाइप्स ऑफ ऑल फील्ड्स इन फाइल यानी फील्ड भी रहता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइल मैनिपुलेशन कमांड डेट एक्सट्रैक्ट सम ऑफ द रिकॉर्ड फ्रॉम ए फाइल, यानी एक ऐसा फाइल मैनिपुलेशन कमांड जो कि कुछ रिकॉर्ड को एक फाइल से एक्सट्रैक्ट करता हो, तो उसे फाइल मैनिपुलेशन कमांड को क्या कहते हैं। ऐसे फाइल मैनिपुलेशन कमांड को हम लोग सेलेक्ट कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड, जो फिजिकल लोकेशन होता है रिकॉर्ड का वो डिटरमाइन किया जाता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, और डेट ट्रांसफॉर्म्स एक फाइल की इनटू रिकॉर्ड इज, तो इस फिजिकल लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस फिजिकल लोकेशन को हम लोग हैश्ड फाइल के नाम से जानते हैं, हैश्ड फाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हैश्ड फाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल, यानी कौन सा एक रिकॉर्ड के आधार पे एक लॉजिकल मॉडल है। तो इसमें से जो करेक्ट लॉजिकल मॉडल है वो है आपका नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल, यानी राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राइमरी की इज कम्बाइन विथ ए फॉरेन की क्रिएट्स, यानी अगर एक प्राइमरी की को फॉरेन की से कंबाइन कर दिया जाए तो वह क्या उत्पन्न करता है, क्या क्रिएट कर सकता है। तो ये आपका एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करता है, और ये क्रिएट करता है बिटवीन टेबल्स जो आपके DBMS में रहते हैं, और उसको कनेक्ट करने का भी ये काम करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू, द नेचुरल ज्वाइन क्या होता है, किसके बराबर हो सकता है। तो नेचुरल ज्वाइन आपका हमेशा जो प्रोजेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसके कॉम्बिनेशन के बराबर होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप में उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमंड के फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर ए वैल्यू टू लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यू डैट हैव बीन स्पेसिफाइड, यानी इसमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसका यूज हम लोग किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए करते हैं जो कि लिटरल वैल्यूज रहता है और उसमें स्पेसिफाइड रहता है। तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग बिटवीन कहते हैं, एक बिटवीन ऑपरेटर होता है जो कि कंपेयर करता है ए और बी में कंपेयर करना हो तो ये बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डैश फंक्शन डिवाइड्स वन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को डिवाइड करता है बाय अनदर एंड रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग मोड कहते हैं, मोड। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईआर डायग्राम जनरलाइजेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ईआर डायग्राम जनरलाइजेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
एक ट्रेंगल के फॉर्म में, ट्रेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ वर्चुअल टेबल डैट क्रिएट्स डैट ड्रॉज इट्स डाटा फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा है इसमें से एक करेक्ट वर्चुअल टेबल है जो कि डाटा को देता है फ्रॉम एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका व्यू। व्यू एक वर्चुअल टेबल होता है जो कि डाटा देता है फ्रॉम रिजल्ट ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेबल ज्वाइंड विथ इटसेल्फ। अगर हम लोग टेबल को इसी के साथ जोड़ते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो टेबल को अगर इसके साथ ही हम लोग जोड़ें तो ये आपका कहलाएगा सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज किस लिए डिजाइन किया जाता है। ए डीबीएमएस क्यूरी लैंग्वेज इज डिजाइन टू। ये किस लिए डिजाइन किया जाता है। ये डिजाइन किया जाता है ताकि जो यूजर्स होते हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके और उनको जो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन होते हैं उनमें भी कुछ हेल्प मिल सके, और इसके साथ साथ जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है उसको स्पेसिफाई करना रहता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज एसोसिएटेड विथ एवरी थिंग बिलो एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है वो एसोसिएट होता है लेकिन किससे नहीं एसोसिएट होता है। उसमें से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिससे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एसोसिएटेड नहीं है। तो ये एसोसिएटेड नहीं है क्योंकि जो एक्शन होता है और ट्रिगरिंग रिस्पॉन्स होता है ये इससे एसोसिएटेड यानी जुड़ा नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन स्कीमा कम्प्लीटली। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब ये पॉसिबल है कि स्कीमा को कम्प्लीटली डिफाइन किया जाए, तो इसका कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे स्कीमा को डिफाइन अगर करना हो तो इसके लिए हमें दो लैंग्वेज के यूज पड़ता है, और वो दोनों लैंग्वेज है आपके DDL और DML। यानी ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा DDL और DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, इट इज़ बेटर टू यूज फाइल्स देन ए DBMS। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह बेटर है कि एक फाइल को यूज किया जाए देन DBMS व्हेन देयर आर, यानी कंडीशन भी दिया गया है तो कब ये बेटर है फाइल को यूज करना रेदर देन DBMS। तो ये प्रेफर किया जाएगा कब, जब हमें मल्टीपल यूजर को यूज करना होगा और वो एक्सेस करना चाहते हैं डाटा को, तो हमें फाइल का यूज करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूट ए बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशन डाटा। यानी कौन सा एक ऐसा ऑपरेशन है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है एक बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डाटा, रिलेशनल डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। तो करेक्ट ऑपरेशनल जो है इसमें से यूज किया जाता है वो है हमारा रिलेशनल अलजेब्रा, और इसी के द्वारा हम किसी भी रिलेशनल डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की मोर देन वन एट्रीब्यूट। एक की अगर एक एट्रीब्यूट से ज़्यादा हो तो वह क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है कंपोजिट की। कंपोजिट की कहेंगे उसे जब एक की एक एट्रीब्यूट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट डेट यूनिकली डिफाइंस एन एंटिटी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस एट्रीब्यूट को और या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या कहेंगे जो हमारा किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाइज करता हो। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम लोग या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को सुपर की कहते हैं, सुपर की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये रहा हमारा DBMS का 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का लास्ट वीडियो था, और इस तरह हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक आपको चारों वीडियो चारों पार्ट्स अच्छे लगे होंगे, और आप इसे लाइक कुछ कीजिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से देखे होंगे। और इसके अगर आप में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।